एक खबर निकलकर सामने आई जहां पर अखिलेश यादव की गिरफ्तारी हो गई। अखिलेश यादव को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लोगों के बीच ये खबर जब सामने आई तो लोग सोचने लगे कि क्या ये उत्तर प्रदेश की पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है? क्या बिहार पुलिस उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मौजूदा समय में सांसद, उन्हें गिरफ्तार कर ले गई है? तो हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के जरूर रहने वाला है, लेकिन उसे बिहार पुलिस ने गिरफ्तार जरूर किया है, लेकिन वो अखिलेश यादव दरअसल एक फर्जी पुलिस अफसर बन के घूम रहा था। ये समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संसद में इन दिनों भाषण दे रहे हैं, उनका भाषण खूब सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन ये जिस अखिलेश यादव का हम जिक्र कर रहे हैं, ये अखिलेश यादव दरअसल पूर्वी चंपारण से गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और ये अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों के बीच जाता है, रंगदारी मांगता है और लोगों को डराता है, धमकाता है। ताजा मामला पूर्वी चंपारण से निकलकर सामने आया। पूर्वी चंपारण की पुलिस को यह जानकारी मिली कि एक व्यक्ति लोगों के पास जाकर रंगदारी मांगता है, पुलिस की वर्दी पहन रखा है, और जब बिहार पुलिस उसके पास पहुंची तो देखा कि अरे ये व्यक्ति तो उत्तर प्रदेश की पुलिस का वर्दी पहन के रखा है, यूपी पुलिस की वर्दी पहन रखी थी उसने। तो पुलिस ने जब जांच पड़ताल किया, उस युवक से पूछताछ की, तो पता चला कि ये तो फर्जी हवलदार बना घूम रहा है, फर्जी उत्तर प्रदेश की पुलिस बनकर घूम रहा है और इसके पास नकली पिस्टल है। इसने नकली पिस्टल रखकर लोगों को डराने की एक नई तरकीब ढूंढी, धमकाने की तरकीब ढूंढी और उसके बाद रंगदारी मांगने लगा। जब इस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, बिहार पुलिस ने छानबीन की, तो पता चला ये युवक ऐसा ही करता है। जब भी इसे पैसे की जरूरत पड़ती है तो उत्तर प्रदेश की वर्दी पहन लेता है, उत्तर प्रदेश की पुलिस की वर्दी पहनता है और उसके बाद लोगों के बीच जाकर रंगदारी मांगता है, डराता है, धमकाता है और कहता है कि मुझे पैसे दो, और अगर पैसे नहीं दोगे तो इस पिस्टल से उड़ा दूंगा। जब बिहार पुलिस को अखिलेश यादव मिला तो जांच पड़ताल में पता चला कि ये तो फर्जी पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी पहन रखा है, इसके हाथ में जो पिस्टल है ये भी नकली पिस्टल है, असली पिस्टल है ही नहीं। युवक की गिरफ्तारी हो गई है, छानबीन जारी है, जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर अखिलेश यादव के साथ और कितने लोग इस गुट में शामिल है, इस गिरोह में शामिल है, और इसका मास्टरमाइंड कौन है। सुबह में सूचना मिली कि गोविंदगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मननपुर गांव में एक व्यक्ति यूपी पुलिस का वर्दी पहनकर घूम रहा है और वहां कई व्यक्तियों को अपनी पुलिस की वर्दी का धुआं से मारा। सूचना के सत्यापन के लिए टीम बनाई गई और पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी को सूचना दी गई। उसके बाद एक टीम द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए आदिल के घर के पास से उस व्यक्ति को पकड़ा गया। उसने यूपी पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, उसके कंधे पे 3 स्टार है और एक नकली पिस्टल था उसके पास से बरामद हुआ। नेम प्लेट पे अखिलेश यादव लिखा हुआ। जांच के क्रम में जब पाए गए तो फर्जी यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर पाए गए और उसका पूरा नाम अखिलेश यादव, पिता काशीनाथ यादव, ग्राम शेरपुर कला, थाना भंवरकोल, जिला गाजीपुर का रहने वाला यूपी का है। और उसके बाद हम लोग गिरफ्तारी किए और आगे उसके मोबाइल और बाकी चीज़ से हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं कि इसकी और क्या क्या भूमिका है। पूरी जांच पड़ताल चल रही है, इसको लेकर अगर कोई भी अपडेट सामने आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी,
पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।